थैंक यू सो मच। बहुत मजा आता है तुम्हें मुझे डराने में, शॉक देने में। सॉरी, वो मैं बस आपको थैंक यू बोलने। सॉरी और थैंक यू के अलावा और कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं आता तुम्हें? वैसे थैंक यू किस लिए? वो दिन में आपने मुझे हिम्मत दी थी ना पापा जी को मनाने के लिए, इसलिए। तो माने नहीं है, सिर्फ लास्ट चांस दिया है पापा ने। इस चांस के जरिए मैं सबका दिल वापस जीत के रहूंगी निहार जी, इस रिश्ते के धागे को सुलझा के रहूंगी। Whatever. ये पानी कहाँ से आ रहा है? प्रियु बेटा नल बंद कर दो। चाचू की बच्ची और चैतान हो गई है तू। रुक, अभी बताता हूँ तेरे को। टिंगा टिंगा। सारे कपड़े गीले हो गए मेरे, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था। मैं आपके लिए नए कपड़े निकाल देती हूँ। रहने दो, ये सब तुम्हारी वजह से हुए। अगर तुम मुझे यहाँ नहीं रोकती तो मैं अभी ये गीला नहीं हुआ होता। पापा जी ने मुझे एक चांस दिया है, ये बात पापा को बता देती हूँ, उनकी टेंशन कम हो जाएगी। और माँ और दादी जी को चाय देने के बाद एक बार पापा से जाके ऑफिस में मिल लूँगी। जाने से पहले माँ से पूछ लूँगी कि जाऊँ या नहीं। ला साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपका ऑर्डर जल्दी से जल्दी पूरा करवाऊंगा। जी जी जी। दूसरों को टेंशन ना लेने की एडवाइस देते रहते लेकिन खुद के पास टेंशन का सारा भंडार। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कन्यादान सिर्फ एक रस्म थी। मैंने तुझे हमेशा के लिए दान में नहीं दे दिया है। तू कल भी मेरी बेटी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। मुझे कोई भी कभी भी कैसी भी तकलीफ हो, आधी रात को अपने बाप का दरवाजा खटखटा सकती है तू?